हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसे लगाने से आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आने वाला है। आपके चेहरे पे ये स्क्रब का काम करेगी और ये रेमेडी जो है आपके कलर को फेयर बनाने के साथ साथ आपके चेहरे पे ग्लो ला देगी। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो इस रेमेडी को यूज़ करें। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आने वाला है, ग्लो आने वाला है। तो ये रेमेडी जो है आप यूज़ ज़रूर करें। इसे लगाने से आपको फ़र्क खुद को नज़र आएगा और जब आप लगाएंगे तो एक बार में ही आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आने वाला है। तो इस रेमेडी को बनाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। बहुत आसान है इस रेमेडी को बनाना और लगाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन। बेसन जो है हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, झाइयों को दूर करता है, हमारे कलर को फेयर बनाता है, बहुत अच्छा ग्लो लाता है। तो आप जानते हैं कि बेसन हमारे चेहरे के लिए कितना अच्छा होता है। बेसन का यूज पुराने ज़माने से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ले रही हूँ। तो आपको 1 चम्मच भर कर बेसन लेना है। तो फ्रेंड्स, बेसन लेने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन टी। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्रीन टी ली है। आपके पास जो भी ग्रीन टी है आप वो ले सकते हैं। 1 चम्मच आपको ग्रीन टी लेनी है। जो आप ग्रीन टी पीते हैं ना, वो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप पीते हैं तो आपके घर में मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रीन टी जितनी पीने में सही है उतने ही हमारे चेहरे पे लगाने के लिए ग्रीन टी का यूज़ किया जाता है और इससे हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आता है, ग्लो आता है। हमारे चेहरे पे ग्रीन टी जो है स्क्रब का काम करती है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ग्रीन टी ली है। तो फ्रेंड्स, आपको 1 चम्मच ग्रीन टी लेनी है, 1 चम्मच बेसन लेना है, उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे शहद ले रही हूँ। शहद भी हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है, अच्छा निखार लाता है, हमारे चेहरे पे मॉइस्चराइज का काम करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच शहद लिया है। 1 चम्मच जो है शहद लेना है, भर कर 1 चम्मच शहद लेना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको लास्ट जो लेना है वो लेना है घर का बना हुआ खट्टा दही। अगर आपके पास घर का बना हुआ नहीं है, मार्केट वाला है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच दही ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गाढ़ा दही लेना है आपको, पतला नहीं लेना है। तो 1.5 चम्मच आपको दही लेना है और अच्छे से इस रेमेडी को मिक्स कर लेना है। ये जो रेमेडी है बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। इससे आपके चेहरे पे जितनी भी गंदगी है वो क्लीन हो जाएगी। आपके चेहरे पे अच्छा निखार चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, तो ये रेमेडी यूज़ करें। इसे अच्छे से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ना ही गाढ़ा बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो फेस पैक आपके चेहरे पे जितनी भी गंदगी है उसे तो साफ़ करेगा ही, साथ में आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार लाएगा, बहुत अच्छा ग्लो लाएगा। आप चाहें तो इस रेमेडी को हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखाई दे रहे हैं, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा टेनिंग हो चुकी है धूप की वजह से, तो आप इस रेमेडी को हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसे पूरे चेहरे पे लगाना है और इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना, आप चाहें तो इसे हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स, अब इसे पूरे चेहरे पर लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस रेमेडी को पूरे चेहरे पे लगाना है। अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद इस रेमेडी को लगाएं। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस रेमेडी को पूरे चेहरे पे लगाना है। आप चाहें तो इसे हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं, गर्दन पर भी इसे लगा सकते हैं। तो पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए और लगाने से पहले अच्छे से चेहरे को वॉश करें, उसी के बाद लगाएं। उसके बाद आपको लगा के इसे रखना है 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा लिया है, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे 10 मिनट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है।
तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है, आपके चेहरे पे जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी, आपके चेहरे पे ये जो फेस पैक है स्क्रब का काम करेगा। तो आप ज़रूर इस फेस पैक को यूज़ करें, इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा निखार आएगा, बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा, इसे लगाने से आपको खुद को पता चलेगा कि आपके चेहरे पे कितना अच्छा ग्लो आया है। आपके चेहरे पे आप चाहते हैं कि ग्लो आ जाए, निखार आ जाए, आपका चेहरा जो है थोड़ा सा फेयर दिखाई दे, तो इस रेमेडी को यूज़ करें। इसे हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो आपको खुद को फ़र्क नज़र आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।